Assalamu alaikum students, welcome to online classes of FEI Naugam. आज हम exercise 9.4, question number 3 का part number 2 करेंगे. Simplify a square plus 5 into b cube plus 3 plus 5, यह हमें सिंपलीफाई करना है. ठीक है, देखिए जैसा हमने कल किया, पहले ए स्क्वायर को ए क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट ए स्क्वायर बी क्यूब. ए स्क्वायर को बी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी क्यूब बन जाएगा. फिर ए स्क्वायर को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3a². पहले कोएफिशिएंट लिखते हैं, फिर जो टर्म होगी वो लिखेंगे. फिर बेटा 5 और b क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5b³. b क्यूब 5 नहीं लिख सकते, 5b³ लिखना है. ठीक है ना. फिर 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15 प्लस 5, सो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 5b³ प्लस 15 प्लस 5 इज 20, विच इज दैट सिंपलीफिकेशन. ओके, लेट्स टेक वन मोर पार्ट. इसमें और भी पार्ट है, ये आप खुद करोगे, कुछ मैं दिखाऊंगा. थर्ड पार्ट इज टी प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस, पार्ट नंबर थर्ड. इट इज टी प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस, इसको सिंप्लीफाई करना है. शाबाश. देखिए बेटा, पहले टी और टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, टी इंटू टी स्क्वायर इज, शाबाश, टी इंटू टी स्क्वायर में आप देखेंगे यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है, तो बेसिस सेम है और मल्टीप्लीकेशन जो है बीच में मल्टीप्लीकेशन है, सो पावर्स का एड होगा, ये बनेगा टी रेज पावर 1 प्लस 2 इज 3. ठीक है ना. सो टी इंटू टी स्क्वायर इज टी क्यूब. फिर इस टी को एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टी इंटू माइनस एस माइनस टी एस. फिर एस स्क्वायर को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर. फिर एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एस के साथ तो ये माइनस एस क्यूब बन जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड सिंपलीफिकेशन. तो इसी तरह में और भी बहुत सारे पार्ट्स है, आप इनको ट्राई करिए, जो आपको आएंगे अच्छी बात है, जो नहीं आएंगे आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं सिखाऊंगा समझाऊंगा, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप मुझे बताएंगे कि ये पार्ट नहीं आया. तो एक दो पार्ट्स में फिर इसमें और भी दिखाऊंगा, फिर आपके लिए होमवर्क करेंगे. एक और पार्ट है ए प्लस बी, दिस पार्ट नंबर 4. ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस ट्वाइस ए सी प्लस बी, इसको हमें सिंपलीफाई करना है. तो बेटा जैसे कि हमने इससे पहले किया वही एग्जैक्टली करेंगे, पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू सी ए सी. फिर इसी ए को माइनस डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू माइनस डी इज माइनस ई डी. फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू सी इज बी सी. फिर बी को माइनस डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू माइनस डी इज माइनस बी. ठीक है, अब इधर आए, यहां भी ऐसा ही करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू सी इज ए सी. फिर ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू डी इज ए डी. फिर माइनस बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज माइनस बी सी. फिर माइनस बी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज माइनस बी डी. फिर 2 को ए सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 2ac. और फिर इसी 2 को बी डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट ट्वाइस बी डी. देखिए भाई, यहां पर ए सी है,
और यहां पर भी AC है, सो AC प्लस AC इज ट्वाइस AC। AC को इस AC के साथ ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 2AC, ठीक है। फिर देखिए बेटे यहां पर AD, ये माइनस AD है और ये प्लस AD, ये कैंसिल हो जाएगी, माइनस AD और प्लस AD कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह प्लस BC माइनस BC के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। वहां क्या रह गया, वहां रह गया माइनस BD और यहां पर भी है माइनस BD, सो इट इज माइनस ट्वाइस BD, ठीक है। तो फिर क्या बच गया, एक तो 2AC बच गया और 2BD बच गया, सो इट इज प्लस 2AC प्लस 2BD। अब बेटा देखिए माइनस 2BD है, ये इस प्लस 2BD के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस 2BD और 2BD कैंसिल हो जाएंगे। वहां क्या रह गया, वहां रहेगा 2AC प्लस 2AC, 2AC प्लस 2AC इज 4AC, हेंस द सिंपलीफिकेशन इज 4AC, ठीक है ना। तो इसमें और भी पार्ट्स है, आप ट्राई करिए, जो नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे, वो मैं दिखाऊं, ओके। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.5, यूज अ सूटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, इससे पहले मैंने आपके साथ आइडेंटिटीज जो है उनकी भी जो नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इन्हीं आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हमें ये एक्सरसाइज करनी। पहला है वी हैव टू सिंपलीफाई एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। इसको हमने डायरेक्ट मल, जैसे इससे पहले हमने देखा मल्टीप्लाई कर रहे थे इस एक्स को एक्स के साथ करते, फिर एक्स को थ्री के साथ, फिर थ्री को एक्स के साथ और थ्री को थ्री के साथ, ये हमने इससे पहले सीखा। लेकिन यहां पर हमें ऐसे नहीं करना, यहां पर हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, जो मैंने आइडेंटिटीज आपको पहले ही बता दी है, उन्हीं का इस्तेमाल करके हमें ये आइडेंटिटीज, ये क्वेश्चन सिंपलीफाई करनी है। देखिए बेटा x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, ने x प्लस थ्री को दो बार मल्टीप्लाई किया गया है, सो आई कैन राइट दिस एज x प्लस थ्री होल स्क्वायर, x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री इज x प्लस थ्री होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे जो x प्लस थ्री है इट इज इक्वेलेंट, इट इज इक्वेलेंट टू a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ, आपको मालूम है a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा अगर इनको कंपेयर करें, अब देखिए यहां पर हमारे पास ए है और यहां ए नहीं है बल्कि यहां एक्स है, सो वी राइट ए जो है ये ए एक्स के बराबर है, ए इज इक्वल टू एक्स। यहां पर हमारे पास इस आइडेंटिटी में हमारे पास बी है, यहां पर बी नहीं है, यहां बी के बदले थ्री है, सो बी इज इक्वल टू थ्री। तो फिर ये जो एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर ये किसके बराबर बनेगा फिर, सो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, और यू कैन से एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर किसके बराबर है, अब यहां पर है ए स्क्वायर, क्या है पहले ए स्क्वायर, अब ए का वैल्यू हमें क्या निकला, ए का वैल्यू एक्स है, तो फिर ए स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर लिखेंगे। फिर बेटा टू, टू तो कॉन्स्टेंट है इसको ऐसे रख देंगे, फिर ए है, ए के बदले हम क्या वैल्यू लिखेंगे, ए के बदले ए का वैल्यू लिखेंगे, ए का वैल्यू है एक्स, और बी, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है थ्री प्लस बी स्क्वायर, अगेन बी इज इक्वल टू थ्री, सो इट इज थ्री स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री, टू और थ्री को मल्टीप्लाई करिए, टू थ्री जार सिक्स इंटू एक्स इज सिक्स एक्स प्लस थ्री स्क्वायर इज थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री जार नाइन, हेंस द एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, ओके। इसी तरह एक और पार्ट है टू वाई प्लस फाइव इंटू टू वाई प्लस फाइव, दूसरा पार्ट है टू वाई प्लस फाइव इंटू टू वाई प्लस फाइव, सो टू वाई प्लस फाइव इज मल्टीप्लाई ट्वाइस, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं टू वाई प्लस फाइव होल स्क्वायर, टू वाई प्लस फाइव होल स्क्वायर।
तो बेटा जो 2i प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू a प्लस b होल स्क्वायर, इट इज इक्विवेलेंट टू a प्लस b होल स्क्वायर। और a प्लस b होल स्क्वायर अभी आपने देखा इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर यहां पर कंपेयर करेंगे ना, अब यहां कंपेयर करिए, यहां पर a है कि नहीं है a, और यहां a नहीं है यहां पर 2y है, सो a इज इक्वल टू 2y। और जो b है यहां पर b है, यहां b के बदले 5 है, b इज इक्वल टू 5। सो दैट अब अगर हम यहां पर a का वैल्यू 2y और b का वैल्यू 5 लिख देंगे, सो वी विल गेट द एक्सपेंशन ऑफ 2y प्लस 5 होल स्क्वायर, सो इट विल बी a स्क्वायर, a के बदले क्या लिखेंगे 2y होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस a, a के बदले लिखेंगे 2y और b के बदले लिखेंगे 5, सो इट इज 2 इंटू 2y इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले लिखेंगे 5 स्क्वायर। अब बेटा देखिए 2 स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2 इज 4 और ये स्क्वायर y पर भी है तो हो गया 4y स्क्वायर प्लस, अब यहां मल्टीप्लाई करिए 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू आर 4, फिर 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 टू आर 4, 4 5 आर 20y प्लस 5 स्क्वायर इज 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इज 5, 5 आर 25, सो द एक्सपेंशन ऑफ 2y प्लस 5 होल स्क्वायर इज 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 5। ओके एक और पार्ट में इसमें दिखाएंगे, थर्ड पार्ट इज 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7, टू ए माइनस सेवन इंटू टू ए माइनस सेवन, टू ए माइनस सेवन दो बार मल्टीप्लाई हुआ है तो सोच इज टू ए माइनस सेवन होल स्क्वायर। अब इस वक्त ये जो टू ए माइनस सेवन होल स्क्वायर इट इज इक्वेलेंट टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, किसके इक्वेलेंट है ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ए माइनस बी होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर में सिर्फ यहां की जो साइन है ये चेंज होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर में यहां पर प्लस होता है, ये और ये टर्म सेम है, और a माइनस बी होल स्क्वायर में यहां पर प्लस के बदले माइनस आता है, बाकी ये दो टर्म ये वैसे रहेंगे जो a प्लस बी होल स्क्वायर में आएंगे, सो इट इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a के बदले क्या है, यहां पर a है लेकिन यहां a नहीं है, यहां पर 2 है, 2a, सो a इज इक्वल टू 2a, ठीक है ना। और b जो है यहां पर b है, यहां b के बदले क्या है, यहां पर 7, सो इट इज a के बदले 2a है और b के बदले 7। अब हम यहां आएंगे और a के बदले a का वैल्यू लिखेंगे और b के बदले b का वैल्यू लिखेंगे, वी विल गेट द रिजल्ट, सो इट इज इक्वल टू a स्क्वायर, a के बदले में क्या लिखूं, a के बदले लिखेंगे 2a होल स्क्वायर, देन माइनस 2 a, a के बदले है 2a और b के बदले क्या है, b के बदले है 7 प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले है 7, सो इट इज 7 स्क्वायर। अब बेटा 2 स्क्वायर, पहले स्क्वायर 2 पर है तो 2 स्क्वायर हो गए 4, लेकिन साथ ही साथ स्क्वायर a पर भी है सो इट इज 4a स्क्वायर, देन माइनस, अब 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू आर 4, फिर उस 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज 2 टू आर 4, 4 7 आर 28a प्लस 7 स्क्वायर इज 7 इंटू 7 इज 49, विच इज द रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन। ओके तो इसमें और भी पार्ट्स है, जितने भी आपको आएंगे वो आप करिए, जो नहीं आएंगे वो आप मुझसे पूछे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको दिन भर में इस वीडियो में से कोई चीज समझ ना आई हो तो फिर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करने के लिए हर वक्त मौजूद हूँ। अस्सलाम।